कक्षा 10 गणित जो चैप्टर नंबर हमारा 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा टेबल है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा याद कर लेना है। इसके बिना काम नहीं बनने वाला, ना ही 3.2 में, ना ही 3.34 में। और ये चीज़ आपको ज़िंदगी भर, अगर आप बड़ी क्लासों में भी मैथ्स लेते ना तो भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक पर, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ, बेसिक तक जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं बताना चाहता हूँ कि A1 A2 कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आपको बताइए जो रैखिक समीकरण की घात, अधिकतम घात कितनी होती है? 1। रैखिक समीकरण अगर आपके पास है दो चर वाले, एक ले कैसा, उसका व्यापक समीकरण क्या होता है? AX+BY+C=0। तो हमारे पास चर क्या है, हमारे पास एक्स और वाई हैं, तभी इसे रैखिक समीकरण बोला गया है दो चर वाला। और इसका जो गुणांक है ए और ये जो बी, ये क्या है? गुणांक है इस चर का, ये क्या है? गुणांक है। और ये सिर क्या है? ये सी होता है, अचर पद। ठीक है, सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो ऐसे लिखा है कि 2x+3y=2, तो पहली बात तो यह है कि आपको दाएं पक्ष में कुछ भी नहीं छोड़ना है। दाएं पक्ष में अगर कुछ लिखा है उसको बाएं पक्ष में ले आओ। 2x+3y, ये प्लस का 2, इधर के क्या होगा? माइनस का 2। ये हमारे पास समीकरण एक है। और मानो हमारे पास समीकरण दूसरा क्या दे रखा है, 3x-2y+5=0। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण नंबर दूसरा है। तो हमें क्या मिलता है, देखिए हमें क्या मिलता है समीकरण एक से। अगर समीकरण एक की बात करें, ऐसे लिखेंगे यहाँ, समीकरण एक से जो A1 होता है ना वो x का गुणांक होता है 2, जो B1 होता है वो y का गुणांक होता है 2, और जो C1 होगा वो कितना होगा? -2। चिन्हों का भी अति महत्वपूर्ण उपयोग है, चिन्ह सहित हमें चीज़ों को लिखना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 एक्स का गुणांक 3, B2 वाई का गुणांक -2, और C2 क्या होगा? 5। ठीक है, गुणांक कैसे लिखे जाएंगे वो तो आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे टेबल्स की, कि इनको लिखना तो चलो ठीक है, अब इनका मतलब समझा देता हूँ। कि अगर A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं और केवल एक हल होता है। इसका मतलब समझा देता हूँ कि क्या बोल रहे हैं पहले वाले में, अगर A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो ये जो है ना, ये किसको प्रदर्शित करती है, किस समीकरण को? रेखा के समीकरण को, क्योंकि x की घात और y की घात रैखिक हैं, घात एक है। तो जब भी आपके पास कोई चर हो और उसकी घात एक हो तो हमेशा किस चीज़ को प्रदर्शित करती है? रेखा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, वो हमेशा रेखा को प्रदर्शित करती है। ठीक, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसका मतलब क्या है कि दो लाइन जो है, दो रेखा आपस में यूँ एक बिंदु पर कट करेगी। हमेशा जितने कट होते हैं उतने ही आपके हल होते हैं। कितना कट किया है इसने, केवल एक कट किया है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ पर एक ही हल होता है, तभी यहाँ लिखा जाता है केवल एक हल। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएँ होती है और केवल एक हल होता है। जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के, तब कैसा हल होगा? संपाती रेखाएँ, और इसके होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। अब मैं आपको संपाती रेखा का मतलब समझा देता हूँ। जब ये वाला कंडीशन आएगा, ठीक है, संपाती रेखा का मतलब क्या होता है, एक रेखा यूँ गया, उसी के ऊपर से दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर से गया, आपको दिख रहा है एक रेखा लेकिन है दो रेखा, एक्चुअल में एक ही रेखा होता है, एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गया, तो ये इसको कितने पॉइंट्स पर टच करके जा रहा है? सारे पॉइंट्स पर टच करके जा रहा है। ठीक है ना, तो इसके इतने सारे पॉइंट्स हैं कि हम गिन नहीं सकते हैं, तभी इसका क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। किस
इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो पूरा का पूरा ही हो गया है ना, इसमें इतने सारे पॉइंट हैं कि हम गिन नहीं सकते, है ना, पूरा सारा इसके ऊपर पॉइंट है। तो ये अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक हल होता है इसका मतलब। और तीसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर ए वन बट्टा ए टू बराबर होता है बी वन बट्टा बी टू के और बराबर नहीं होता है सी वन बट्टा सी टू के, तो क्या होते हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, ये और ये रेखा आपस में क्या होती है, समांतर होती हैं। समांतर होने के वजह से ये कभी आपस में यूँ कट नहीं करेंगी, कभी भी आपस में जाकर जुड़ेंगी नहीं, कहीं पे मिलेंगी नहीं, और कहीं पे कट नहीं मिलेगा, कहीं पे मिलेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, तो उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी टच ही नहीं किया आपस में, जब टच नहीं किया तो हल ही नहीं होगा, इसी वजह से इसका कोई भी हल नहीं होता है। अगर ऐसा आएगा तो कोई हल नहीं, तो यहाँ लिखा है समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं, ठीक है। तो चीज़ें तो हम समझ गए हैं, अब आते हैं हम प्रश्नावली में, ठीक, प्रश्नावली 3.2, ठीक है। इन क्वेश्चनों को, पहले वाले क्वेश्चनों को ग्राफ पेपर में सॉल्व करना है, ओके। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल किए, मतलब समीकरण बनाना है और उस समीकरण को हल करना है, किस में, ग्राफ पेपर में, ग्राफ पेपर की मदद से आपको आपका आंसर देना है, ठीक है। ऐसे सरल करके नहीं मत देना है, विलोपन विधि ये सब, आपको सिंपल सरल करके आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट। तो हमारे पास एक कक्षा है, कक्षा कौन सी है, 10 है। अच्छा, कक्षा में है तो दो चीज़ें हैं, एक तो बालक हैं और दूसरी क्या है, बालिका, ठीक है। एक तो बालक होंगे और एक दूसरी लोग क्या होंगे, बालिका। बालक और बालिका मिलके टोटल में कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितनी है, 10। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं, है ना। और बालिका जो है बालक से कितने हैं, 4 अधिक हैं, मतलब बालिका कितने हैं, 4 अधिक हैं बालक से। ये थोड़ा हमने क्वेश्चन को एनालाइज़ किया, क्वेश्चन को पढ़ के हमने समझा, अब प्रॉपर वे में करते हैं। माना बालक की संख्या एक्स है तथा बालिकाओं की संख्या वाई है, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। कुल विद्यार्थी के मतलब लड़का और लड़की मिलके कितने हैं, 10। लड़का प्लस लड़की मिलके कितने हैं, 10। लड़का को हमने कितना माना है, एक्स, और लड़की को हमने क्या माना है, वाई। तो एक्स प्लस वाई मिलके कितने बने हैं, 10। ये हमारा पहला समीकरण आ गया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला है, ठीक है, प्रश्न में क्या बोला है, जो बालक हैं, जो बालिकाएं हैं, बालिकाएं बालक से कितने अधिक हैं, 4 अधिक हैं, ठीक है। बालिकाएं ज़्यादा हैं, बालक कम है, कितने बालिकाएं कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। तो अगर बराबर करना है, मैं आपको चीज़ बता दूँ, इसके पास 5 रुपये है, इसके पास 2 रुपये हैं, तो इसके पास 3 रुपये ज़्यादा हैं। अगर आपको बराबर करना है, या तो इधर 3 जोड़ दो, या फिर बराबर करना है तो इसमें से 3 बड़े में से 3 घटा दो, जो आपको सही लगे, तभी तो आपस में इक्वल आएगा, बराबर आएगा। तो बालिकाएँ बालक से कितने ज़्यादा हैं,
चार ज़्यादा हैं तो चार बालिकाएं बड़ी हैं तो बाल बालिकाएं में से चार क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो बालक को हमने एक्स माना है, बालिकाओं को मैंने वाई माना है, तो प्लस का वाई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के वाई। ठीक है, समीकरण नंबर दूसरा। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब समीकरण तो हमारे बन गए, अब हमें क्या खींचना है, ग्राफ पेपर में इसको हल करना है और उसकी मदद से हमें आंसर निकालना है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको अगर एक रेखा खींचनी है तो आपको कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, दो। आपके पास दो पॉइंट होंगे, उनको मिलाओगे कम से कम, तभी जाके एक रेखा बनेगी, है ना। तो हर एक रेखा खींचने के लिए कम से कम दो बिंदु चाहिए होते हैं। समीकरण एक से कुछ भी मान सकते हो, एक्स और वाई का मान, लेकिन हमेशा मैंने आपको बताया है कि वो मान मानना है आपको जिससे एक्स और वाई के सरल मान मिले, ताकि उनको हम ग्राफ पेपर में जब हम प्रदर्शित करें तो आसानी के साथ दिखा पाएँ, लिख पाएँ। कुछ भी मान सकते हो, माना कुछ भी मान सकते हो एक्स और वाई, ठीक है, ये आप पे है। मैंने एक्स का मान ज़ीरो मान लिया तो एक्स की जगह ज़ीरो रखूँगा, तो ज़ीरो प्लस वाई वाई हो जाएगा, तो वाई का मान क्या हो गया, दस। तो बिंदु क्या होता है, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, तो बिंदु क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पर ज़ीरो है और वाई के जगह पर दस। ठीक है, एक बिंदु आ गया, इसे मैंने पी बिंदु बोला। फिर मैं मानता हूँ एक्स का मान ज़ीरो नहीं मान सकते, एक बार मान लिया, वाई का मान अब की बार में ज़ीरो मानता हूँ, माना वाई बराबर ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि वाई का मान तो दस है, तो वाई का मान ज़ीरो माना है, तो यहाँ रखूँगा एक्स के जगह पर, तो एक्स है, वाई के जगह पर मैंने ज़ीरो रख दिया, तो एक्स का मान क्या आ गया, दस। तो बिंदु क्यू बराबर पहले एक्स आते हैं दस, और वाई को हमने क्या माना था, ज़ीरो। तो दो बिंदु तो मिल गए पहले समीकरण से। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण लेंगे। इस दूसरे समीकरण से हम क्या निकालेंगे, इस दूसरे समीकरण से हम क्या निकालेंगे, बिंदु। ठीक है, तो यहीं पे कर देते हैं, जगह बच रही है, पन्ना क्यों वेस्ट करें। माना एक्स का मान ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस वाई बराबर माइनस चार, ज़ीरो में से वाई घटाएंगे तो माइनस के वाई, माइनस के चार, इधर भी माइनस कैंसिल, तो वाई का मान चार आ गया। यहाँ पर लिख देना समीकरण दो से। ठीक है, तो पहले एक्स आता है, एक्स को आपने ज़ीरो माना है, वाई आपको क्या मिला, चार, इसी मैंने आर बोला। ठीक है, फिर आप क्या मानोगे, माना ये आ रहा है समीकरण दो से, माना वाई की मान आपकी बार मैंने ज़ीरो मान लिया, तो एक्स वाई को हमने क्या माना, ज़ीरो, इधर क्या है, माइनस के चार, तो एक्स का मान कितना आ गया, माइनस के चार। तो बिंदु क्या आ गया, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। अब इन बिंदुओं का हमें क्या दिखाना है, ग्राफ पेपर में इन बिंदुओं को दिखाना है हमें ग्राफ पेपर में। अब मैं ग्राफ पेपर जो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ पेन से, लेकिन आपको पेपर पर बनाना है किससे, पेंसिल से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो x का मान हमें मिला है माइनस के चार, एक दो तीन चार, तो इस तरीके से बनाना कि सारे पॉइंट ग्राफ पेपर में आ जाएं। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया ओरिजिन, मतलब x का मान ज़ीरो ज़ीरो, ये वाला, ये जो कि खंड है वो एक, इधर x होता है, इधर x डैश होता है, जहाँ डैश उधर है वॉइस को, इधर y होता है और नीचे क्या होता है, y डैश, ये प्लस के वन प्लस के टू है ना, नीचे इधर माइनस के वन, y का मान माइनस के टू, इधर माइनस के वन, माइनस के टू, माइनस के थ्री, माइनस के फोर। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब देखिए पहला पॉइंट हमें लिखना है, पहला पॉइंट हमारे पास है एक्स पे ज़ीरो वाई पे दस, एक्स पे ज़ीरो और ऊपर वाई पे दस जाना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया मेरा पी, ज़ीरो कोमा टेन।
फिर मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो है एक्स पर टेन वाई पे ज़ीरो, ठीक है, एक्स पर टेन वाई पे ज़ीरो। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक्स पर टेन वाई पे ज़ीरो, वाई पे जाना ही नहीं है, तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरा 10, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है, ये मिला दिया हमने। अब इस समीकरण को भी लिख देना, ये समीकरण क्या था हमारा, एक्स प्लस वाई बराबर 10, ठीक है, लिख दिया। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरा पॉइंट पहला क्या था, -4, 0, एक्स पे -4, ये माइनस का 4 है, यहीं पे कटेगा, -4, 0, एक्स पे -4, वाई पे जाना ही नहीं है। एंड अगला पॉइंट हमारे पास क्या था दूसरे समीकरण का, एक्स पे 0, 0, 4, ठीक है, 0, 4, 1, 2, 3, 4, तो ये पॉइंट आ गया 0, 4 आर पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंटों को मीट करती हुई क्या खींचनी है लाइन, अब जब हमने इन दोनों को, इसका भी इक्वेशन लिख दो, ये हमारा क्या था एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 4 लिख दिया। अब ये लाइन और इस लाइन ने यहाँ पर इस बिंदु पर क्या किया, कट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित बिंदु, ठीक है, जिसका नाम हम क्या दे देते हैं, टी दे देते हैं। अब ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु है यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो देखो यहाँ देखेंगे, एक्स पे कितना गया 3 और y पे कितना गया 7, तो ये 3, 7, ठीक है, अतः x का मान कितना आ गया 3 और y का मान 7, यानी कि बालक कितने हैं 3 और बालिका कितनी है 7, आंसर ग्राफ पेपर से हमने निकाल दिया, x को हमने बालक माना था, y को हमने बालिका, आया समझ में। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ग्राफ पेपर से ही सॉल्व करना है, ठीक, सेकंड पार्ट में आते हैं। कह रहे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है, 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वैसे ही प्रॉब्लम है, माना एक पेंसिल की कीमत ₹1 तथा एक पेन की कीमत ₹Y है, कोई दिक्कत है नहीं है। प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में हमने क्या करते हैं, 5 पेंसिल तथा 7 पेन, कलम को मैंने पेन लिख दिया है, कि कुल कीमत कितनी है 50 है, 1 पेंसिल की कीमत ₹X, तो 5 पेंसिल की कीमत क्या होगी 5X, 7 पेन, 1 पेन की कीमत ₹Y, तो 7 पेन की कीमत कितनी होगी 7Y, कुल मूल्य 50 है, तभी यहाँ पर मैं प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने 2 टॉफ़ी खरीदे, एक चॉकलेट खरीदा, तो 2 टॉफ़ी की कीमत प्लस चॉकलेट की कीमत को ही तो आपको दुकानदार को देना पड़ेगा ना, प्लस लगता ही है टोटल कीमत में, है ना, तो यहाँ प्लस लग गए, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, कोई नहीं। द्वितीय शर्त में आ जाओ, द्वितीय शर्त अनुसार, तो द्वितीय शर्त में क्या है, देखिए द्वितीय शर्त में क्या बोला है, 7 पेंसिल तथा 5 कलम कुल मूल्य कितने हैं 46, 7 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 7X, 5 कलम का मूल्य 5Y, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है, यही से हमने लिखा था कंडीशन।
अब आगे बढ़ते हैं, देखिए समीकरण एक लिखेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से 5x प्लस 7y है ना, तो लिख लेते हैं एक बार। अब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ हमेशा x और y के मान को किस तरीके से बनाना है, परफेक्ट पूर्णांक मिले इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो पहले वाले कंडीशन हम क्या करते हैं, y के मान को 0 मान लेते हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे, कितना प्रैक्टिस करते हो तभी आपके माइंड में ज़्यादा ज़्यादा फटाफट क्लिक करेगा। तो 7 × 0 = 0, तो यहाँ से क्या आ गया 5x, 5 × में इस तरफ आके भट्टे में आ जाएगा, 5 × 5 = 5, के पीछे 0 लग गया, तो x का मान कितना आ गया 10। तो बिंदु पहले x आता है, x का मान 10 आया, y हमने 0 माना था, एक बिंदु मिल गया। अब आ जाओ पुनः, अब की बार मैं y को क्या मानता हूँ 10, अब की बार मैं y को क्या मान रहा हूँ 10, क्यों देखना, सोचना पड़ेगा आपको। तो y की जगह पर मैंने 10 रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 5x 7 = 70, अब आपके माइंड में आ गया होगा कि मैंने 10 रखा, 70 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -20। 5 × में इधर के बट्टे में आ जाएगा 5×20, तो x का मान कितना आ गया -4। तो बिंदु क्या होगा, x का मान -4 और y हमने क्या माना था 10। तो पहले समीकरण से दो बिंदु में मिल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में, ये समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से लिखोगे आप, तो अब की बार आपको मानना पड़ेगा क्या, ताकि पूरा पूरा परफेक्ट आंसर आए, 7 से कट जाए, सोचना पड़ेगा कुछ, ठीक है ना। तो हम क्या सोचते हैं ना, एक्स की वैल्यू 8 सोच लिया मैंने, ठीक। तो देखो 7 एक्स की जगह पे मैं 8 रखूँगा, 56, 7 × 56, तो 5y 46 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना आ गया -10, 5 × 5 = 5, 5 × 10, तो y का मान कितना आ गया -2। तो जो बिंदु मिला मेरे को, x का मान 8 माना था, y का मान -2 मिला, ठीक। पुनः अब की बार मैं क्या मानता हूँ, अब की बार मैं x का मान -2 मानता हूँ, तो देखो क्या होगा, 7x की जगह -2, 5y 46, 7 × 2 = 14, ठीक है। और -14 जाके +14 हो, ऐसा क्यों मान रहा हूँ, ताकि ऐसा इस तरफ ऐसा बनाओ कि वो 5 से कट सके, ठीक है। 46 और -+ क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60, तो 5 × 5 = 10, तो y का मान कितना आ गया 12। तो ये बिंदु कितना हो गया, x का मान -2, y का मान 12। तो इस समीकरण से भी हमें दो बिंदु मिल गए, ठीक है। अब हमें इनको क्या करना है, ग्राफ पेपर में प्रदर्शित करना है, ठीक। चीज़ों को ध्यान रखो, x की वैल्यू हमें माइनस के कितनी मिली है, 2 मिली है, 1, 4 भी हैं, 1, 2, 2, 3, 4 यहाँ पर रखते हैं, चीज़ हो गई। यहाँ पे हमारा ओरिजिन 0 होता है, ठीक है। एक एक खाना हमारा एक एक के बराबर है, इधर x होता है, इधर x डैश होता है, नीचे y डैश, ऊपर y का मान प्लस में। सो पहले समीकरण में आते हैं,
पहला बिंदु x पे 10 है, y पे 0। x पे 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। x पे 10, y पे 0, यानी कि ये पॉइंट आ गया 10,0, पी पॉइंट। ठीक है, खाने लिख देना जैसे 1, 2, 3। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x पे माइनस के 4 और y पे 10। x पे माइनस 4 यहाँ पर है और y पे 10, उसी के सीध में जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, क्यों माइनस 4,10। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, मिला देना है। इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, मिला देना है, और समीकरण जो है वो ऊपर लिख दो। क्या समीकरण था ये, 5x+7y = 50। अब दूसरे समीकरण पे आ जाओ। दूसरा मेरे पास क्या है, बिंदु 8,-2, एक्स पे 8, यू नो ये एक्स पे 8 और वाई पे माइनस के 2। 1, 2 नीचे, वाई का मान नीचे होता है माइनस 2, तो ये है 8,-2 प्लस के 8,-2। बिंदु का नाम हमने क्या रखा था, आर। और दूसरा पॉइंट है एक्स पे -2, 1, 2 और वाई पे 12। यहाँ तक 10 था, 11, 12 यहाँ पे आ जाएगा बिंदु एच -2,12। अब इन दो बिंदुओं को मिला देना है, तो जब हमने मिलाया तो यहाँ पर कट किया इसने इस बिंदु पर, तो देखो कटान बिंदु x पे कितना है, 1, 2, 3, x पे 3, y पे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 3,2, 3, 4, 5। ठीक है, ये बिंदु आ गया प्रतिच्छेदित बिंदु, तो x का मान 3 होगा, y का मान 5 होगा, यानी कि एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये और एक पेन की कीमत 5 रुपये है आंसर।